नमस्कार, मैं अभी चल दिया हूँ। आज का सफ़र कहाँ कहाँ होता है आपसे शेयर करूँगा। आप बने रहे मेरे साथ, शाम को ठीक 7 बजे आपके साथ शेयर करूँगा। आई और बहनो, अरे तुम मेरा नाम लगाओ, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास है। मन की बात सुनो, ये देखो है ना। वाह 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 वाह। तो ये क्या बोला आपने, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विधा। उन्होंने हमें बताई श्रीनगर में जब मैं था, तो राधा खंडी बेसिकली बेड़ा परंपरा का गायन शैली है, जिसमें कृष्ण और राधा के रास लीलाओं का लोक गीतों में उत्सव। अच्छा, तो उनकी भी बहुत स्पेसिफिक जेस्चर्स होते थे जो आपने तो कह रहे हैं ना। तो ये सब हमने जब देखा तो अपने नाटकों में उनका प्रयोग किया। जैसे एक पाती फूले, एक पाती द्वि पाती क्यों लड़ी फूले, क्यों जूं मरवा जाए रे, खेतों की क्यों लड़ी फूले, शीतल से लंग जाए रे, गोविंदा तेरो नाम लो मैं गला तुलसी की माला रे। इस पर जो सो बनू छाया गरीबा का बेटा, माता तेसु मेरा छई दादी प्योली जैसु, दादाजी को जर छया छुट भूला सो बनो, छुट भूली सो बनी छे रतूड़ा का ठूड़ा। इसमें बीट को ए बन बनी का फूल खिलाला, चौदी सौ चौमासो, ये भनी भनी का फूल खिलला, चौदी सौ चौमासो, तेरी मेरी भेंट स्याली होली किरी होली। क्या बात है। तेरी मेरी भेंट स्याली होली किरी होली, नौ बैणुआ छारुन स्याली खट मा पकड़ लियो, नौ बैणिया छरुन स्याली खेट मा पकड़ लू, नौ गतिया साढ़ स्याली अछरी हरी ले, नौ गतिया साढ़ स्याली अछरी हरी ले। तो उसमें क्या होता है कि नीचे का जो हिस्सा है वो जो मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो खींचता है, तो आपके पैर डेढ़ हो गए, आपका घुटना ये हो। तो वो जो जीवन मैंने अभी देखा, अब देखे मैं वही बोल रहा हूँ, पहले से होने के से मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ जो जीवन देखा वो बिल्कुल अलग। मुझे लगता था कि कितने नेगेटिव लोग समाज में, लेकिन इस बार जो समाज खड़ा हुआ बस वो तो अभूतपूर्व था। मैं कल्पना नहीं करता कि इतने हितैषी इतने पीछे मजबूती से खड़े हैं। और आपने ये भी करना कि मैं बेसिकली जो कंडीशन में मैं हूँ, ये कंडीशन में कोई चल फिर नहीं सकता, मैं बॉम्बे से अकेला फिर हिमाचल गया, यहाँ हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे हजारों हाथ है पहले मतलब इस टाइप का। आपने मेरी वीडियो क्लिप में अलग अलग वीडियो देखे, मैं अलग अलग लोगों से आज मिला हूँ और छोटी छोटी क्लिपिंग मैंने आपको प्रस्तुत की। अगर आपको अच्छा लगे या उस चीज़ पे आपको कुछ कहना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें और उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप जो भी आप चाहें उसमें आप लिख सकते हैं, मुझे सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह के ब्लॉग मैं बनाऊँ और आप तक पहुँचूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर रहूँगा। अनुमति दीजिए, नमस्कार।